Dear students, बेटा टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेचर ऑफ द पार्टी सिस्टम इन इंडिया। है ना, पहला ही चैप्टर अपना भारत विच राजनीतिक दल प्रणाली का स्वरूप। फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट डू यू मीन बाय द पॉलिटिकल पार्टी। राजनीतिक पार्टीज की होंदिया ने, है ना, आपा देखिया होगा कांग्रेस, बीजेपी, है ना, ये सारिया जो राजनीतिक पार्टियां ने, मतलब इन्हों की डेफिनेशन की है। जो आप देखिए कि मतलब की है इन्हों का, सो सब तो पहला आपां इन्हां दा मीनिंग करांगे गिलक्रिस्ट दे अकॉर्डिंगली। जिहड़ा अपना गिलक्रिस्ट है उसके अकॉर्डिंगली जिहड़ियां राजनीतिक पार्टियां ने, राजनीतिक दल, उन्हां राजनीति दा संगठन समूह है या उन्हां लोकां दा या उन्हां नागरिकां दा समूह है जिन्हां दे राजनीतिक विचार इक्को जिहे हुंदे ने, जो एक राजनीतिक इकाई दे रूप दे वांग काम करदे ने अते सरकार दी वागडोर नूं अपने हत्थां विच लैण दा यतन करदे ने। मीन्स अगर इन सिंपल मीनिंग आपां कहीए तां राजनीतिक दल जिहड़े हैगे ने इह उहनां नागरिकां दा एक इकट्ठा समूह है जिन्हां दे राजनीतिक विचार इक्को जिहे हुंदे ने, ठीक है, और जो एक संगठित इकाई, एक यूनिटी दे रूप दे विच काम करदे ने, और जिन्हां दा इक्को एक मकसद हुंदा है कि राजनीतिक वागडोर नूं अपने हत्थां दे विच लैण दा यतन करना। अगर सिंपल मीनिंग दे विच मैं एक लाइन दे विच अगर इन्हां नूं डिफाइन करां तां राजनीतिक पार्टीज़ ओह हुंदियां ने जिन्हां दा मेन मोटिव की हुंदा, स्ट्रगल फॉर पावर। ठीक है, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ बेटा इहो जिहियां ने जो खुल के मैदान दे विच आउंदियां ने ते एक दूजे दे, मतलब एक दूजे नूं जिहड़ा हैगा, एक दूजे तो ज़्यादा अपने जनता नूं अपने हक दे विच यत करन दा यतन करदियां ने। मीन फिजिकल वॉर नहीं हुंदी। रिमैंबर, इन्हां पार्टीज़ दे विच कदे फिजिकल वॉर नहीं हुंदी, बल्कि यह अपने विचारां दे राहीं या होर तरीकियां दे राहीं जनता नूं अपने हक दे विच करन दा यतन करदियां ने। जिहड़ी पार्टी इहदे विच सफल हो जांदी है उह राजनीतिक सत्ता नूं हथियाण दे विच कामयाब हो जांदी है। समझ आ गई। उस तों बाद बेटा साढ़े आंदा है कि ये जिहड़ियां जिवें हुण इंग्लिश दे विच वी मैं तुहानूं दस दिंदी हां, अ पोलीटिकल पार्टी मे दस बी डिफाइंड एज द ऑर्गनाइज्ड ग्रुप ऑफ द सिटीजन, ऑर्गनाइज्ड ग्रुप ऑफ द सिटीजन हू प्रोसेस टू शेयर द सेम पोलीटिकल व्यूज, जिन्हां दे पोलीटिकल व्यूज इक्को जिहे हुंदे ने, एंड हू एक्टिंग एज अ पोलीटिकल यूनिट, जो पोलीटिकल यूनिट के रूप दे विच काम करदे ने, एंड ट्राई टू कंट्रोल द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट नूं कंट्रोल करन दा यतन करदे ने। समझ आ गई। इस तों बाद बेटा इन्हां दीआं विशेषतावां कीहड़ियां कीहड़ियां, नंबर इकाई दे रूप दे विच काम करदे ने, दे वर्क एज इन यूनिट। ठीक है, मौलिक सिद्धांतां दे एक मत हुंदे ने, मतलब इन्हां दे पोलीटिकल व्यूज जिहड़े हैगे ने, फंडामेंटल व्यूज जिहड़े हैगे ने, दे आर सेम। संविधानिक विधियां विच विश्वास करदे ने, क्वाइट ऑब्वियस, जिहड़े कॉन्स्टिट्यूशन दे विच इन्हां दा ट्रस्ट हुंदा, अगर कॉन्स्टिट्यूशन दे विच ट्रस्ट नहीं होगा तां नोबडी कैन चूज दैम। उस तों बाद आउंदा है राजनीतिक सत्ता प्राप्त करन दा उद्देश, इन्हां दा मेन मोटो की हुंदा है, पोलीटिकल पावर अपने हत्थां दे विच लैणा। ठीक है, और राष्ट्रनीतिक हितां दा विकास करना, मीनस पोलीटिकल जिहड़े नैशनल इंट्रस्ट ने उहनां नूं ग्रो अप करना, इन्हां दा मेन मोटो हुंदा है। नाउ नेचर ऑफ द पार्टी सिस्टम इन इंडिया, पार्टी नेचर इन्हां दा किहो जिहा है, इंडिया दे विच साडी पोलीटिकल पार्टीज़ जिन्नियां वी हैं उहनां दा नेचर किहो जिहा है। नंबर वन, रजिस्ट्रेशन ऑफ द पोलीटिकल पार्टीज़, राजनीतिक दलों का पंजीकरण, मीनस 1951 रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट दे अकॉर्डिंगली दे विच दित्ती गई शोध दे अनुसार भारत विच हर राजनीतिक दल दा चोण आयोग कोल पंजीकरण कराना जरूरी है। मीनस कोई भी पोलीटिकल पार्टी होवे बेटा उहदा रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। इस उद्देश की पूर्ति दे लई पुराने राजनीतिक दलों लई 60 अते नवे राजनीतिक दलों दे लई 30 दिन का टाइम दिता होया कि उन्होंने इलैक्शन कमीशन नूं इनफॉर्म करना है अपना रजिस्ट्रेशन करवाउण दे लई। उस तो बाद हैगा बेटा थ्री टाइप्स ऑफ पोलीटिकल पार्टीज ऑन द रेकोगनीशन, मीनस मान्यता के आधार पर साढ़े तीन तरह के राजनीतिक दल होंगे, पहले नैशनल, दूसरे रीजनल एंड रीजनल या जिन्होंने तुम स्टेट पोलीटिकल पार्टीज भी कह सकते हो, और थर्ड वन इज़ द अनरेकोगनाइज पोलीटिकल पार्टी। सब तो पहला आते हैं रेकोगनाइज नैशनल पार्टीज, मान्यता प्राप्त राजनीतिक राष्ट्रीय दल। राष्ट्रीय दल वह होंगे ने जिहड़े बेटा नैशनल लैवल के उत्ते काम करते हैं। ठीक है, नैशनल तौर दे उत्ते काम करदे ने, जिवें बीजेपी हो गया, कांग्रेस होगी, बहुजन समाज पार्टी होगी, बहुजन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी होगी। साडियां टोटल जिहड़ियां हैगियां 7 पोलीटिकल पार्टीज ने, ठीक है, जिहड़ियां नैशनल तौर दे उत्ते काम करदियां ने। और इन्हां दे लई की कंडीशनस ने कि 6% जिहड़ा हैगा वह लोग सभा ते राज्य विधानसभा दीआं चोणां जिहड़ियां हैगियां उहनां दा घट तो घट 6% अगर हिस्सा लै लैंदी है पार्टी तां जिहड़ा हैगा उह नैशनल पार्टी बन जांदी है।
उस तो बाद आती है रिकोगनाइज स्टेट पोलीटिकल पार्टी। स्टेट पोलीटिकल पार्टी जिन्हां ने नाम तो ही मैंशन है स्टेट के जुड़िया होंगे, जिमें कि अपने पंजाब के जी हैगी है वो श्रोमणी अकाली दल है ना, तो इसी तरह बहुत सारिया पोलीटिकल पार्टी जिहड़ियां हैगी अपनी रीजनल दे विच होंदियां ने। उस तो बाद आता है गैर मान्यता राजनीतिक दल। गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल वो दल होंगे ने जिन्हों कोई किसी तरह की कोई मान्यता प्राप्त नहीं होंगी, बट फिर भी डायरैक्ट और इनडायरैक्ट तरीके दे नाल ये दूसरे पोलीटिकल पार्टीज दियाँ मदद करदियां ने। ठीक है, उस तो बाद आता है जी मल्टीपल पार्टी सिस्टम। साडे देश दे विच बहुदलीय प्रणाली है बेटा, दो चार तरह की दो तीन तरह की पोलीटिकल पार्टी ने। वन वन पार्टी सिस्टम, वन पार्टी सिस्टम तो जिथे सिर्फ एक पार्टी है, जिहड़ी कंट्री दे विच सिर्फ एक पार्टी है जिवें चाइना। उस तो बाद आता ड्यूल पार्टी सिस्टम या दोहरी पार्टी सिस्टम। दोहरी पार्टी सिस्टम वो कंट्रीज जिथे सिर्फ और सिर्फ दो पार्टीज ही ने, जिवें अपना इंग्लैंड हो गया, अमेरिका हो गया, इन्हां दे विच दो पार्टीज ने, एक पार्टी की सरकार बनती तो दूसरी अपने आप ही ओपोजिशन पार्टी बन जाती है। तीसरी थर्ड वन आती है जी मल्टी पार्टी सिस्टम, जिथे दो जां दो तो वध पार्टीज होंदियां ने, जिथे दो तो वध पार्टीज होंदियां ने असी उसनूं की कहिंदे आ मल्टी पार्टी सिस्टम, जिवें कि अपने इंडिया दे विच है। इंडिया दे विच बेटा सत्त तरह दियां पोलीटिकल पार्टीज ने, आपां मेजर दो ही पढ़ियां ने है ना, दो ही आपां नोन जांदियां ने, या बहुजन समाज पार्टी बारे सुन लैंदे हैं, या बीजेपी या फिर कांग्रेस पार्टी, बट अपनियां सत्त पार्टीज ने बेटा जिहड़ियां नैशनल तौर दे उत्ते काम करदियां ने। किहड़ियां किहड़ियां? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नैशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी जिहनूं तुसीं बीजेपी कहिंदे हो, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, दूसरी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, अगली है बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उस तो बाद है तृणमूल कांग्रेस। तो दीज आर दी सैवन पार्टीज जिहड़ियां कि अपनी एग्जिस्टेंस दे विच हैगियां ने। उस तो बाद आंदा है बेटा नैक्सट स्टैप है अपना केंद्र अते राज्यां दे विचकार एक दल दियां सरकारां दा मुड़ तो आरंभ, रीबिगनिंग ऑफ द पीरियड ऑफ द वन पार्टी रूल इन सेंटर एंड एज वैल एज द स्टेट। पहला की सीगा कि स्टेट के कोई होर गवर्नमेंट होंगी सी, सेंटर के कोई होर गवर्नमेंट होंगी सी, बट नाउ कि मुड़ तो ट्रेंड आ गया, दोबारा तो बिगनिंग किस चीज़ की हुई है कि सेंटर और स्टेट के सेम पार्टी जिहड़ियां हैगियां लोग की उन्होंने ज़्यादा इंट्रस्ट देने लग पे ने। ठीक है, एंड उस तो बाद आता है जी मल्टी पार्टी करैक्टर ऑफ द ओपोजिशन, विरोधी धिर का बहुदली स्वरूप। बेटा जिमें मैं थोनों कहा कि अमेरिका और इंग्लैंड दे विच अगर एक पार्टी की सरकार बनती है तो दूसरी जिहड़ी अपने आप ही ओपोजिशन हो सकती है, इस तरह अपने इंडिया दे विच की होंदा है कि अगर एक पार्टी की सरकार बनती है तो बाकी जिहड़ियां छे पार्टीज़ ने वह की होंदियां ने, वह ओपोजिशन पार्टी बन जांदियां ने, और हर पार्टी की अपनी विचारधारा है, तो क्वाइट ऑबवियस जिहड़ा विरोधी दल का करैक्टर होगा या विरोधी दल का जिहड़ा स्वरूप होगा वह डिफरेंस ही होगा। उस तो बाद है विचारात्मक वचनबद्धता की कमी, लैक ऑफ आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट, कि भारतीय राजनीति दे विच लगातार विचारक वचनबद्धता की कमी पाई जाती है, जिथे हर एक पार्टी जिहड़ी हैगी है कहिंदी है कि असी धर्म निरपक्षता नूं मानदे हां, लोकतंत्र नूं मानदे हां, समाजवाद विच अपना विश्वास करदे ने, पर सत्ता दे विच आउंदे ही वो सारी जिहड़ियां आइडियोलॉजीज ने, सारी जिहड़ियां अपनियां विचारधारा